भारतीय जनता पार्टी एक करप्ट पार्टी है, एक बेईमान पार्टी है, और इनको पता है कि अगर एमसीडी इनके हाथ से चला गया तो इनकी रोजगारी बंद हो जाएगी, इनका भ्रष्टाचार बंद हो जाएगा। आम आदमी पार्टी का एक एक पार्षद अपनी सीट पे बैठा हुआ, इतना सब कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल हाउस के अंदर हो रहा था, लेकिन उसके बाद भी हमने एक चू तक नहीं कसी। दिल्ली वालों से इस स्थिति के लिए एक तरीके से क्षमा भी चाहता हूं कि आपने हमें बहुमत दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से कर रही है, जिस तरह से संविधान की धज्जियां उड़ा रही है, क्या 2 से 2.5 महीने हो गए मेयर नहीं चुन पाए। आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट भी जा रही है, आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से भी बात रखेगी, और अब सुप्रीम कोर्ट से हमारी आखिरी उम्मीद है कि वो दिल्ली के अंदर भारत के संविधान को लागू कराएं, बीएमसी एक्ट को लागू कराएं। भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में रही 5 नहीं 6 नहीं पूरे 15 साल। इस 15 साल में क्या हुआ? एमसीडी बर्बाद हो गई, एमसीडी कंगाल हो गई, कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे पाए, अस्पताल बंद होते चले गए, दिल्ली 45 शहरों के स्वच्छता सर्वेक्षण में 37वें स्थान पे आती रही, मतलब एमसीडी पूरी तरह से बर्बाद हो गई। लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी के पार्षद नई नई गाड़ियां खरीदते रहे, नई नई जगहों पे जमीन खरीदते रहे, बंगले खरीदते रहे, नए नए इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया, नए नए बिजनेस उन्होंने किए। एमसीडी अब तक इनके लिए दुधारू गाय थी, जिसको जब मन करता था उससे दूध निकालते थे और उस दूध को बेचते थे। एक सबब होता है कि मनुष्य दुनिया में कोई भी आदमी बेरोजगार नहीं होना चाहता। दिल्ली की जनता ने विधानसभा चुनाव में इनको बेरोजगार कर दिया, अब 8 MLA लेके घूमते हैं, इनकी कोई सुनता तो है नहीं, कोई पैसे कमाई तो कर नहीं पाते वहां पे।